उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में जंगल की आग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च अदालत में आज सुप्रीम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है आग बुझाने में गंभीरता और शीघ्रता दिखाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों को चारधाम यात्रा और चुनाव ड्यूटी में ना लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का जल्दी और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल होगा और आग बुझाने के लिए पूरी वर्कफोर्स मुहैया कराई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग में खाली पदों को जल्द भरने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को 17 मई की अगली सुनवाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है और कोर्ट में मुख्य सचिव को जंगल की आग पर जानकारी देनी होगी। और अगर बात चारधाम यात्रा की करें तो उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में जाम के हालात लगातार बने हुए हैं, जिससे यात्री काफी परेशान हैं। और हर्षिल गंगोरी में गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जाम की वजह से यात्री बेहद परेशान हैं। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीते रोज भी यात्री जाम से परेशान रहे। हालांकि प्रशासन जल्द व्यवस्था ठीक करने का दावा करता नजर आ रहा है, लेकिन जाम से यात्रियों को फिलहाल निजात नहीं मिल पा रही है, जो प्रशासन की तैयारियों और कार्यप्रणालियों पर सवाल उठा रहा है। उत्तरकाशी में पिछले 6 दिनों में चारधाम यात्रा में जाम और धरना प्रदर्शन के हालात बने हुए हैं, जिससे उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा शुरू होते ही जाम के हालात से यात्री परेशान हैं, जिसके चलते यात्री, होटल, व्यापारी, पुरोहित तक यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, जिससे देवभूमि से लगातार गलत संदेश दूसरे राज्यों में जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की राय भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में पार्किंग की कमी के साथ सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। इसके साथ कई जगह किए गए अतिक्रमण से भी जाम के हालात बने हुए हैं। ऐसे में क्षमता से ज्यादा यात्री वाहन आने से हालात खराब हो रहे हैं। प्रायः देखने में आया कि छोटी छोटी कारें और बड़ी बड़ी बसें, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, अत्यधिक मात्रा में चल रही हैं और जिससे सड़कों पर जाम लग रहा है। मान में आवश्यकता इस बात की है कि सड़कों में, सड़कें जहाँ भी है उनमें जो है लोगों ने कहीं कुछ बजरी डाल रखी है, कहीं कुछ घोड़ा डाल रखा है, कहीं कुछ डाल, जिससे कि बड़ा व्यवधान है। सड़कों में किसी तरह का कोई कमी जो है, सामग्री नहीं रखी जानी चाहिए। लगातार लग रहे जाम की एक और बड़ी वजह ये भी है कि चारधाम यात्रा में हर साल यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जिले में गाड़ियों को रुकवाने की क्षमता कितनी है इस पर कोई डाटा तैयार नहीं किया गया। ऐसे में जब बड़ी तादाद में यात्री जिले में पहुंचे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। कुछ कमियां प्रशासन की भी है और शासन की भी है और कुछ होटल व्यवसायों की आपस में। ये पहले पूर्व में की यात्रा के लिए किस तरह आगे की रणनीति बनाई जाए, किस तरह पूर्व में इन्होंने इस बारे में कोई आपस में कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं नहीं कर पाए और ये एक बहुत बड़ी कमी आ रही। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में जरूरी है वक्त रहते प्लान बनाकर दोनों धामों में क्षमता के अनुसार यात्रा कराई जाए, जिससे ऐसे हालातों पर अंकुश लग सके। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक जाम से यात्री परेशान हैं। यहाँ पर फाटा और सोनप्रयाग के बीच हर दिन जाम की समस्या देखने को मिल रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है। जाम की वजह से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं और तीर्थ यात्री प्रशासन से काफी खफा हैं। केदारनाथ रूट पर लंबा जाम। चारधाम में बड़ी संख्या में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुंच जा रहे हैं और अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पर यात्रियों को ले जाने वाले टूर ऑपरेटर का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। चारों धामों में यात्रा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सरकार ने ये
बड़ा फैसला लिया है। विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट का है। चारों धामों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर बुधवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने सामने आकर तस्वीर साफ की। विनय शंकर पांडे का कहना था कि कपाट खुलने के दिन से ही पिछले साल की अपेक्षा दोगुनी संख्या में यात्री पहुंचे। यही नहीं, धामों में ऐसे यात्री भी पहुंच रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो जून महीने का है, लेकिन वो मई में ही यात्रा पर आ गए, जिसके चलते जाम की स्थिति पैदा हो रही है। जिनको 27, 28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है, वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से होल्ड किया जाएगा और जिस बस से गए हैं, जिस टूर ऑपरेटर ने उसको लेकर जा रहा है, उसका परमिट सस्पेंड करने के साथ साथ परमानेंट बेसिस पर उसको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। अब चारधाम में हालात क्या है वो देखिए। गंगोत्री और यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू करना पड़ा। गेट सिस्टम की वजह से यात्रियों को 2 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे यात्रियों का बैकलॉग खत्म हो रहा है और जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगी। वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वो अपनी हेल्थ हिस्ट्री को न छिपाएं और धीरे धीरे ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने एक गेट सिस्टम भी लागू किया है। आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि डिफरेंट जगहों पर गेट्स भी लगाए गए हैं, घंटे 2-2 घंटे की ड्यूरेशन पर, 4 घंटे की आवश्यकता के हिसाब से वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही निर्णय लेता है। यात्रियों को छोड़ा जाता है, इसके बाद रोका जाता है, फिर ऊपर से आने वाले यात्रियों को नीचे लाया जाता है ताकि सबको दर्शन भी मिल जाए, सुरक्षित भी जाए। हाँ, ये सही है कि उसमें कुछ विलंब हो सकता है। चारों धामों में अभी तक रिकॉर्ड 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 26 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या भी 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। यात्रा व्यवस्थाएं बनी रहे इसके लिए सीएम धामी के निर्देश पर चारों धामों में सीनियर आईएएस अफसरों को भी अतिरिक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुरोहित ढोल नगाड़े लेकर आए कुछ युवकों को ऐसा न करने की नसीहत दे रखे हैं। दरअसल पहले कुछ सालों में केदारनाथ और बद्रीनाथ में ऐसे लोगों की भीड़ आ रखी है जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया करते हैं। काफी वक्त से इस बात को लेकर तीर्थ पुरोहितों में रोष है कि पवित्र तीर्थ स्थलों की गरिमा को शोरगुल की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम लोगों ने प्रशासन ने तमाशा बना रखा, चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ, ये फालतू तमाशा। तुम लोग तमाशा करने रखो यहाँ क्या? तुम नाचने के लिए तो यहाँ पे क्या, भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो। उत्तराखंड में यात्रा कोई भी हो, साल दर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यात्रा को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पर्यटन मंत्री ने प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है, जबकि देवस्थानम बोर्ड का प्रयोग फेल हो चुका है। हर साल पुण्य कमाने, स्नान करने, पितृ मोक्ष के लिए करोड़ों हिंदू उत्तराखंड आते हैं। चार धाम, गंगा स्नान, कांवड़ मेला आदि कैलाश के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार की चार धाम यात्रा के पहले हफ्ते में ही भक्तों की भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 15 अप्रैल से 15 मई तक 26 लाख यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पिछले साल चार धाम यात्रा में 56 लाख श्रद्धालु आए थे। इसी तरह कांवड़ में हर साल करोड़ों यात्री पहुँचते हैं। साल 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे, तो पिथौरागढ़ की आदि कैलाश की मुश्किल यात्रा में भी देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मतलब ये कि हर यात्रा में यात्रियों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही हैं। अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस सब के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की जरूरत है, जिसका काम सभी भीड़ भाड़ वाली यात्राओं को मैनेज करना हो।
जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक प्राधिकरण बनाइए यात्रा का, वो बहुत आवश्यक है, यूपी के अंदर बनाया गया है। हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो, हमारी नीलकंठ की यात्रा हो, कुंजापुरी की यात्रा हो, चारधाम की यात्रा हो, इसके लिए एक प्राधिकरण जो हो इसको पूरी तरीके से संचालित करे तो बड़ा उत्तम होगा। सारी यात्राओं को मैनेज, सारी यात्राओं को, टोटल यात्राएं जितनी भी हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा है, इन सबको मैनेज करे, क्योंकि उसका अनुभव भी होगा। चारधाम के मंदिरों में सिस्टम मैनेज करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड बना। ऐसे में क्या प्राधिकरण बनाने से भीड़ मैनेज हो जाएगी, और प्राधिकरण भी उन्हीं अफसरों की निगरानी में काम करेगा जिनके लिए अकेले चारधाम की भीड़ कंट्रोल करना चुनौती बना हुआ है। अरे ये जो अभी सामने है वो तो कर दो, प्राधिकरण तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस समय तो चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित करो, सब पूरा बवाला मचा हुआ है, हजारों यात्री वापस चले जा रहे हैं बिना दर्शन किए, कितनी तकलीफ की बात है, क्या ये हमारे इंप्रेशन लेकर के जा रहे होंगे। यात्रा मेला कुछ भी हो, तय है कि हर साल यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में भीड़ कंट्रोल करने का काम चाहे प्रशासन करे या प्राधिकरण, बिना ठोस प्लानिंग के कुछ नहीं बदलने वाला। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के शिफ्टिंग का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, और अब श्रीनगर गढ़वाल के लोगों ने हाईकोर्ट को वहां शिफ्ट करने की मांग की है। श्रीनगर गढ़वाल के सामाजिक संगठनों का कहना है कि पहाड़ी इलाके से मैदान में हाईकोर्ट किसी भी कीमत पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड आंदोलन का मकसद ही पहाड़ का विकास था, और अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट करना ही है तो किसी पहाड़ी जगह पर ही शिफ्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि श्रीनगर में हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाए, जिससे पौड़ी में हो रहे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। क्यों घूम रही है इसको? क्योंकि अगर नैनीताल का हाई कोर्ट अगर सेनर खुलता है तो वहाँ से कर्मचारी तो आएगा ही, पलायन नहीं होगा, वो नौकरी करके मैंने जो बनाने घर जाएगा। क्योंकि श्रीनगर एक मध्य है, पूरे गढ़वाल का एक सेंटर आता है, और इसलिए हमारी मांग यहाँ पे कि NIT को देखते हुए, मेडिकल कॉलेज देखते हुए, सेंट यूनिवर्सिटी को देखते हुए, यहाँ पे जगह की उपलब्धता को देखते हुए, हम लोग ये चाह रहे हैं कि क्यों ना हाईकोर्ट यहाँ पर शिफ्ट करे। देहरादून के धर्मपुर स्थित PNB के ATM में अचानक से आग लग गई। आग लगने की खबर पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया है, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि पूरा ATM जलकर खाक हो गया। चमोली जिला कारागार में तैनात जेलर पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक चमोली से की है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने भी कार्रवाई की बात कही। इस पूरे मामले में हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुरसाड़ी जेल में तैनात डेप्टी जेलर नईम अब्बास को घायल अवस्था में जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब बिजनौर निवासी एक युवती ने जेलर पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने डिप्टी जेलर पर जबरन शारीरिक शोषण का आरोप लगाने के साथ जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया, और इससे पहले भी हरिद्वार में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता है एक महिला बिजनौर की रहने वाली, उनकी तरफ से तहरीर दी गई है जो हमारे पिछाड़ी जेल चमोली के जेल अधीक्षक है उनके खिलाफ, उनके द्वारा उनसे शारीरिक संबंध बनाए गए और फिर जान से मारने की धमकी दी गई, तो पीड़िता के द्वारा कंप्लेंट दी गई है हमारे यहाँ थाने में, और उसके आधार पर FIR रजिस्टर्ड की गई है। राज्य में 2016 से PCS परीक्षा नहीं कराए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और पूछा है कि क्यों 2016 के बाद PCS परीक्षा नहीं हुई। देहरादून के हरेंद्र सिंह समेत अन्य के जनहित याचिका दाखिल करके कहा है कि राज्य के लोक सेवा आयोग ने राज्य गठन से अब तक PCS के खाली पड़े पदों के लिए 6 बार परीक्षा कराई है। याचिका में कहा गया है
कि 2002 में पहली बार और 2016 में अंतिम बार परीक्षा हुई। साल 2016 का परीक्षा परिणाम 2019 में घोषित किया गया, जिसके बाद कोई परीक्षा पीसीएस की नहीं कराई गई है, जिसके चलते तैयारी कर रहे युवाओं की आयु खत्म होती जा रही है। अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सोनगाट के पास एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर तेज रफ्तार के कारण पलट गया, इससे गुजरात के 8 यात्री घायल हो गए। रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास पर एक बड़े पेड़ की चपेट में आने से स्कूटर सवार शख्स की मौत हो गई, तेज तूफान की वजह से पेड़ गिरा। बद्री केदारनाथ यात्रा को कोटद्वार से भी शुरू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लग गई है। कोटद्वार में भी रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने को लेकर युवाओं ने प्रदेश सरकार को मांग पत्र भेजा है। उत्तरकाशी में जाम के हालात और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई और हनुमान चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कोटद्वार के पुराना सिद्धबली मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिसकी चपेट में पास में खड़ी कार आ गई। रामनगर में गर्मी के सीजन में कॉर्बेट से लगे गांवों में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी, यहां विभिन्न गांवों से एक दिन में 12 से अधिक सांप रेस्क्यू किए गए। रुड़की में किसान यूनियन अंबावता ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिससे सुभाष चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रुड़की में एसटीएफ और पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जो 40,00,000 की धोखाधड़ी के मामले में कई दिनों से फरारी काट रहा था। चारधाम यात्रियों के खाने पीने की निशुल्क व्यवस्था की गई है। कुछ युवाओं ने अपने संसाधनों से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की। 13 मई को रुद्रप्रयाग स्थित तुंगनाथ मंदिर में भरतनाट्यम और कैलीग्राफी का अनूठा प्रदर्शन किया गया। 1 घंटे 27 मिनट के इस परफॉर्मेंस को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।